बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। कंप्यूटर का आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने वेब पेज बनाना सीखा है, और वेब पेज बनाने के बाद हमने इसमें टैग्स के बारे में पढ़ा था। दो तरह के टैग्स होते हैं, एक सिंगुलर टैग्स होते हैं और दूसरे जो हमारे पास टैग्स होते हैं वो पेयर्ड टैग होते हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। HTML टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो आज इन एट्रीब्यूट्स को पढ़ के इनके बारे में जस्ट हम एक इंट्रो लेंगे, और इस इंट्रो के बाद इन फर्दर लेक्चर्स इनको हम डिटेल में अप्लाई करके चेक करेंगे। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन इसकी ये है कि एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटेड विद टैग्स, जो टैग्स के साथ जुड़ी होती हैं, जो टैग्स के साथ लगी होती हैं। अब यहां पे इसके बारे में मैं आपको एक हिंट देता हूं, बड़ी आसान सी बात है। जैसा कि आपने एक टैग लिखा H1 एक टैग है हेडिंग, और उसके अंदर आप अपना नाम लिखते हैं, तो H1 तो उसका हो गया टैग। अब जो आपने लिखा हुआ है, आप उसका लिखे हुए का रंग तब्दील करना चाहते हैं, आप कलर चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपना नेम लिखा, जब आप उसको देखते हैं तो वो तो ब्लैक कलर में आ रहा है। सपोज आप उसका कलर ब्लू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे H1 का ये जो अब मैंने वर्ड यूज किया कलर, तो बेसिकली कलर क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। और ये किसका एट्रीब्यूट? H1 के साथ एट्रीब्यूट मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पे आपने यही बात याद रखनी है कि एट्रीब्यूट्स क्या है। तो अब यहां पे कलर जो है वो H1 की एक प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह से आप उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आपने जो मेन बात याद रखनी है फिलहाल, बस यही बात याद रखनी है कि एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग। दे प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं सम इंफॉर्मेशन, कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग, उस टैग से मुतालिक एक मखसूस इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे H1 है तो उसके साथ हम कलर यूज कर लेते हैं। ईच एट्रीब्यूट इज गिवन अ वैल्यू। हर एट्रीब्यूट को एक वैल्यू दी जाती है। यानी एक एट्रीब्यूट आपने लिखा कलर, कलर अब एक एट्रीब्यूट है। अब कौन सा कलर? रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, मतलब कोई भी कलर जो होगा। अब वर्ड कलर खुद एक एट्रीब्यूट है, और रेड ग्रीन येलो ब्लू इसकी वैल्यूज हैं। ईच एट्रीब्यूट इज गिवन अ वैल्यू। हर एट्रीब्यूट को एक वैल्यू दी जाती है। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट इज रिटन एज। आमतौर पे जो टैग है वो ऐसे लिखा जाता है, टैग नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट। बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, कुछ भी हो सकता है। एट्रीब्यूट, फिर इक्वल टू का साइन, और उसके आगे डबल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखी जाती है। इस तरह सेकंड एट्रीब्यूट, इक्वल टू का साइन, डबल कोट्स में उसकी वैल्यू, और आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स आप लगाना चाहते हैं वो एट्रीब्यूट इस पे लगा सकते हैं। यहां पे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया है पी। पी एक टैग है और इसमें लव्स दिए अलाइन। अलाइन इसमें क्या है? अलाइन इसके अंदर बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट को सेंटर में लेफ्ट पर राइट पर अलाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं अलाइन। तो ये अलाइन यहाँ पे एट्रीब्यूट है। इक्वल टू के साइन के आगे सेंटर इसकी वैल्यू है। अब इसका मतलब ये है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो पेज पर आपको सेंटर में नजर आएगा। शोज द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ एट सेंटर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट
को छोड़ के ये सेंटर में ले आएगा। इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे कुछ और वैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज यहाँ पे आप लिखते हैं, एक टैग है आपके पास, ये आपके पास है टैग H1 और यहाँ पे आप लिख देते हैं 9th class और इसको कर देते हैं क्लोज। तो ये आपके पास 9th class का टैग आ गया, H1 का एक टैग आ गया जिसमें 9th class लिखा हुआ है। तो इस टैग को यूज करते हुए हम कोई भी काम कर सकते हैं। सपोज इसमें हमने चेंज करना है इसका कलर। अब कलर के लिए यहाँ पे इसी H1 के अंदर थोड़ी सी स्पेस देकर यहाँ पे हम ये लफ्ज लिखेंगे कलर। तो ये जो लफ्ज कलर मैंने लिखा है ये बेसिकली है एट्रीब्यूट। इक्वल टू का साइन लगा के इसके आगे डबल कोट्स में एक वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो मैंने वैल्यू लिखी है रेड, ये रेड एक वैल्यू है और कलर इसका एट्रीब्यूट है। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। और आपने दूसरी बात क्या याद रखनी है कि एक जो एट्रीब्यूट होता है MCQ में पूछा जा सकता है, इसकी हर एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है और वो वैल्यू डबल कॉमा में लिखी जाती है, दरमियान में इक्वल टू का सिंबल आता है और लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट होता है जबकि राइट साइड पर उसकी वैल्यू होती है। तो आज के लिए आपका यही सबक है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इस कंसेप्ट को जहन में बिठा लेना है, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।